नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ टीवी। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। मैं आज दिल्ली में हूं, वर्ल्ड ट्रेड फेयर सेंटर में, जो प्रगति मैदान में लगा हुआ है। प्रगति मैदान में तरह तरह, दो साल बाद प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर लगा है और दो साल बाद आज यहां जो भीड़ होनी चाहिए उस तरह की भीड़ अभी नहीं दिख रही है, लेकिन कुछ अलग तरह के प्रोडक्ट इस बार देखने को मिल रहे हैं। हम इस समय गुजरात के एक स्टाल पर खड़े हैं जो वैद्य मनोज भाई का है। इस स्टाल हीरामन शर्मा का है। उस स्टाल पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। मैं आपको भीड़ सबसे पहले दिखाता हूँ और फिर मैं बात करूँगा हीरामन शर्मा जी से कि आखिर वो क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट उनके पास है और कैसे लोग उनसे ले सकते हैं। दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार बड़ी कंपनियों की आमद तो नहीं है, लेकिन कई ट्रेडिशनल व्यापार के स्टॉल दिखे। जड़ी बूटी का कारोबार करने वाले आदिवासियों के कई स्टॉल मेले में नजर आए, जिन पर खूब भीड़ जुट रही है। कुछ लोग अपनी नाड़ी दिखा रहे हैं तो कुछ दवाइयाँ पैक कराते दिखे। एक स्टॉल पर हीरामन भाई मिले, जिनके पास कोई भी डिग्री नहीं है, लेकिन वह कहते हैं कि उन्हें पिताजी से विरासत में आयुर्वेद की जड़ी बूटियों की समझ मिली है। ये देखिए स्टॉल पर किस तरह की भीड़ जमा है। बहुत सारी दवाइयाँ आपको स्टॉल पर दिख रही हैं, लगी हुई हैं, और लोग इंक्वायरी भी कर रहे हैं, बड़ी संख्या में इंक्वायरी कर रहे हैं। और हमारे साथ हीरामन भाई हैं, हम उनसे बात करते हैं कि ये दवाइयाँ कहाँ से आती हैं। इनका कहना है कि हम लोग आदिवासी लोग हैं और जो जड़ी बूटी होती है जंगलात से हम लोग ये दवाइयाँ लेकर के आते हैं, और जो पहले के ज़माने में लोग जो जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करते थे वह जड़ी बूटियाँ ये यूज कर रहे हैं। हीरामन भाई, आपका स्वागत है। हीरामन भाई, आप ये बताइए कि आप किस तरह से इन जड़ी बूटियों को कहाँ से निकालते हैं और क्या क्या दवा आप बनाते हैं? ये दवा है, बोले तो हमारा खानदानी पेशा धंधा है सर, और इस दवा का हमको नॉलेज बोले तो हमारे बाप दादे से है, और ये दवा जो है हम उसको मानते हैं कि हमारा माँ का दूध है, ऐसा हमारा जंगल का दूध है। हर जंगल में जाकर हम उस दवाई को एक एक पूरा इकट्ठा करके और उसको बनाकर, कूट पीस कर बनाकर, और सभी भाई लोगों का, माताजी लोगों का, सभी लोगों का हम सेवा करते हैं। और ऐसे दवाई हमारे पास है कि सभी को, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा आता है। ये कोई घुटने का दवा, कमर के लिए दवा, सांधों के लिए दवा, पेट का गैस के लिए दवा होता है, एलर्जी का दवा होता है, हर किस्म का रोग के लिए हम दवा देते हैं और सभी रोगों का पानी बना देते हैं साहब, और जड़ से उस रोग का इलाज कर देते हैं साहब। नहीं, हीरामन जी ये बताइए कि इस तरह से इसकी सेल होती है? अभी जैसा रोग होता है साहब, इसी तरह हम दवा उसको देते हैं और सेल करते हैं। रोग देख के हम दवा देते हैं और कैसा है। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि सेल, बिक्री कैसे आपकी होती है, कैसे आप इसको बेचते हैं, क्या कोई आपका ऑनलाइन सर्विस है या लोग आपके यहाँ आते हैं, कैसे बेचते हैं? अगर एक को हम फायदा बताते तो हमको और भी 10 ग्राहक मिल जाता है, तो हम ऑनलाइन से दवा भेज देते हैं किसी को भी। नहीं, ऑनलाइन का मतलब क्या, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बेचने का या फिर कुरियर से भेज देते हैं साहब? कुरियर से भेज देते हैं। अच्छा, कौन कौन सी बीमारी का इलाज आपके पास है, किस किस तरह की बीमारी का आप इलाज देते हैं? सबसे पहला तो इलाज हम पेट का करते हैं साहब, पेट का चर्बी, चिकस, वायु, गैस, चरबास, वजन हटा देते हैं, और ये सब पेट सारा रोगों का